नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम यहाँ शिव साधना रहस्य शिव तंत्रम के भाग दो में शिव मानस पूजा का प्रथमतः उच्चारण कर रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, अर्जुन का वंशज, महाभारत के पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट तिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में भगवान शंकर की इन मंत्रों और स्तुतियों का उच्चारण यहाँ कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम शिव मानस पूजा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी पूजा मानी गई है, जो सबसे पहले करना चाहिए, और वो किसी भी देवता के लिए होती है, लेकिन चूंकि भगवान शंकर तो तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के, सभी के रचयिता स्वयं हैं, इनके अधिपति हैं, इन सब गण इनके दास हैं। जो भी रुकावटें, विघ्न, बाधाएं पैदा करते हैं किसी भी साधना में या किसी सिद्धि को प्राप्त करने में, तो उसमें भगवान शंकर ही उन सब के मालिक हैं, उन्हीं के हुक्म का सब पालन करते हैं। तो सबसे पहले शिव की मानस पूजा। मानस पूजा हर देवता की अनिवार्य होती है, तो हम यहाँ शिव की मानस पूजा प्रस्तुत कर रहे हैं। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्। नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हल्ककल्पितं गुह्यतां। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधिं पयोदधीततुलं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसामयाविरचं विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। क्षत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकाहकलकलाकीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुर्बहुरुर्विधा वेत्तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितव्यो पूजां ग्रहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रह पूजाते विषयो भोगरचना निद्रा समाधि स्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वो गिरो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधानम् करचरण कृतम् वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधम्। वेतं वेतं या सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये शिवजी की मानस पूजा है, और शिव जी की मानस पूजा का एक आवृत्ति का उच्चारण मैं और कर देता हूँ। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं
मृग मदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र तम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हिरत्कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवरत्न खंडरचिते पात्रे घृतम पायसम भक्ष्यम पंचविधम पयोदीतम रंबाफलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्ज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु शत्रम चामर्योर्गम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम तथा वीणा भेर मृदंग का हलकला गीतम च नृत्य नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुर बहुविधा वेत्स समस्तम मया संकल्पेन समर्पितम तब विभो पूजाम ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयो विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वो गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तत्तवाराधानम् ओकर्चन कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसं वा पराधम विहितं वहितं या सर्वमेतक क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये इसकी द्वितीय आवृत्ति थी शिव मानस पूजा की। अब हम यहाँ वेद सार शिव स्तव का उच्चारण कर रहे हैं। ये शिव स्तव वेद सार शिव स्तव पुकारा जाता है और श्रीमद् शरंकराचार्य जी द्वारा इन इसकी रचना की गई है। तो वेद सार शिव स्तव पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरन्दाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहिनीत्रिनेत्रम् सदानंदमीणे प्रभु पंचवक्त्रम गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णम गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलीन जटाजूट धारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप परमात्मानमेकं जगद्वीज माध्यम निरीहं निराकारमोंकार वेद्यं यतो जायते पाल्यते तेन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वर्णिर्न वायु न चाकाशमास्ते न तंद्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रमूर्तिं तमीडे अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयं तमे पारमाद्यांतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैत्वहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य
शंभो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपाशनाशिन काशीपते करुणया जगदीतकदीक इस्त्वं हंसिपासि विदधासि महेश्वरो असि त्वत्तो जगद्वते देव भविस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीश लिंगात्मकं हर चराचर विश्वरूपिन् ओम। ये वेद सार शिविस्तव था और बहुत उच्च कोटि का वो स्तव है, और जहाँ पर इसका उच्चारण होता है, जैसे हमने पिछली फिल्म में बताया था, शुक्र मंत्र बताया था, तो जहाँ भी पुत्र की उत्पत्ति में बाधा आ रही हो या पुत्र बंधन योग लग गया हो या किसी ने बांध दिया हो संतान होने को, या किसी प्रकार की शुक्र संबंधी या वीर्य संबंधी कोई विकार हो या किसी अन्य कारण से संतान उत्पत्ति न हो रही हो या संतान क्षीण उत्पन्न होती हो या मर जाती हो या कमजोर उत्पन्न होती हो, ऐसी अवस्था में उस शुक्र मंत्र का जो पिछली फिल्म में हमने बताया था उसकी साधना करना चाहिए। तो उससे जो है शुक्र प्रबल होता है और दोनों स्त्री पुरुषों को वो साधना करनी चाहिए, इससे दोनों को शुक्र प्रबल हो करके दोनों को परम भोग और चरम भोग की प्राप्ति होती है और उच्च कोटि की संतान जो शिवतुल्य होती है उसकी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हमने जिस अष्टोत्तर शतनाम का वहाँ उच्चारण किया था उससे कई प्रकार के कामनाएं और समर्थताएं प्राप्त होती हैं, मंगल कल्याण प्राप्त होते हैं, दुख दूर होते हैं और पाप सारे नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से ये चीज़ें हैं। तो जैसे वेद सार जो स्तव का उच्चारण किया शिव स्तव का, तो इसका बहुत उच्च कोटि का है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए भगवान शंकर को हमेशा ही धूप दीप हवन ये अर्पित अवश्य करने चाहिए। फिर उनकी जो अन्य वस्तुएं हैं, बिल्व फल है और काला धतूरा है, श्वेतार्क पुष्प हैं और ऐसी जो भगवान शंकर की वस्तुएं जिनका वर्णन हम पहले कई फिल्मों में कर चुके हैं, आगे इस फिल्म के इस एक भाग में भी करेंगे, तो वो चीज़ें अवश्य उनको अर्पित करना चाहिए, उनको बहुत प्रिय हैं, उससे भगवान जल्दी संतुष्ट होते हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है भावना और श्रद्धा, आस्था और विश्वास और भरोसा। ये चीज़ें जब तलक न हो, आप किसी भी भगवान की, किसी भी देवी की या किसी की भी साधना न करें, क्योंकि बिना भावना के, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था विश्वास और भरोसे के कोई भी साधना सफल नहीं होती और उसमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। आप कई जन्मों तक लगे रहेंगे तो भी, वैसे आपको जो भी आपके गुरु होंगे और गुरु दीक्षा देंगे उस वक्त ये बात आपको बताएंगे इसके विधान में, और अगर होत्री दीक्षा दी जा रही है तो होत्री दीक्षा में भी गुरु इसका वर्णन करता है, चरण करता बताता है सब कुछ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम यहाँ शिवाष्टक का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये भगवान शंकर का शिवाष्टक है। तो ओम, मैं नरेंद्र सिंह तोमर
महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में इसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मंगल कामना के साथ, इस कल्याण भावना के साथ, प्रभु सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबका शुभ करें। इसमें हम एक गुप्त मंत्र खोलेंगे अभी इस फिल्म में बाद में, जो कि बहुत ऐसा गुप्त मंत्र है जो कि भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को दिया था और विष्णु जी ने जाप किया था उसका स्वयं, और वह मंत्र में से फिर अनेक मंत्र बनते हैं जिसमें से हर कामना के लिए या इच्छा के लिए या आप जो चाहते हैं भगवान शंकर से कि ये चीज़ पूरी हो, कैसी कोई मनोकामना विशेष हो, तो उसके लिए उसी मंत्र से ही अनेक मंत्र बनते हैं। तो वो विधान का भी हम यहाँ वर्णन करेंगे। पहले उस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं जाप किया और फिर देवताओं को उसका उपदेश दिया, फिर देवताओं ने जाप किया और वो तुरंत से सर्वसमर्थ और सर्व कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। वो बहुत विशेष मंत्र है और उसी मंत्र से ही उसमें संपुट और गुम्फन के कुछ बदलने से, अदला बदली करने से पूरा कई प्रकार की कामनाएं उसमें से पूरी की जा सकती हैं। और ये विशिष्ट हवन होता है, जब जब इसकी षोडशोपचार पूजा की जाती है, भगवान शंकर की अभिषेक किया जाता है, उस वक्त पर उस मंत्र का हवन किया जाता है। ये रहस्य हम आपको बता दें, हम जब ककनमठ शिव के मंदिर पर, जो तोमर राजवंश का मंदिर है, वहाँ पर जब हवन करते थे तो हमारे साथ में बहुत से लोग जाते थे, कई बार हमने हवन किए, तो उसमें किसी न किसी की कोई ना कोई कामना हुआ करती थी, किसी इच्छा से जाता था। और जब तक किसी की इच्छा या कामना की पूर्ति ना हो, वो चीज़ उसे प्राप्त ना हो, सिद्ध ना हो, तो फिर भगवान से यकीन उठने लगता है मनुष्य का, क्योंकि नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है, ये इसमें नपुंसक मंत्र में आता है, तो इसमें क्या है, नमस्कार करना और कुछ मांगना नहीं, तो ये एक अलग उच्चारण हो गया। इससे आप शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं लेकिन कामना पूर्ति नहीं होती। कामना पूर्ति के लिए अलग मंत्र हैं और उनसे आहुतियाँ डाली जाती हैं उसी हवन कुंड में जब उनका षोडशोपचार पूजन और अभिषेक किया जाता है। तो हम वहाँ अभिषेक करते थे, अभिषेक के पश्चात फिर जब हवन करते थे तो हमें ज्ञात रहता था कि हमारे साथ जितने लोग आए हैं किस किस की क्या कामना है। तो वहीं हम मंत्रों को गुम्फित और संपुट करके इधर उधर अदल बदल के सबके कामनाओं के मंत्र उसी में आहुति करवा देते थे। तो वो क्या होता था कि मंदिर से लौट के घर नहीं आ पाते थे, उनका काम हो जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ, अनेक बार हुआ, अनेक लोग हमारे साथ गए, अनेक बार हवन हमने किए, तो वहाँ वो मंत्र अलग ही हैं, तो उनका विधान इस फिल्म में आएगा और आपको बताएंगे किस तरह से मंत्र बनाए जाते हैं और किस तरह से उनकी आहुतियाँ की जाती हैं कामना और इच्छाओं के अनुसार, और वो फिर तुरंत पूर्ति कैसे होती हैं। तो वो तो खैर चमत्कारिक मंदिर है, राजवंश का मंदिर है, वहाँ भगवान साक्षात हैं। पहले उस मंदिर में चमगादड़ बहुत थे, उसमें फिल्म चंबल की कसम की शूटिंग होने के बाद में उसमें मंदिर के अंदर गर्भगृह में काफ़ी चमगादड़ थे। इतना चमगादड़ था कि डर के मारे पुरातत्व विभाग वाले उसके अंदर ही नहीं जाते थे। लेकिन हम लोग गए, हमने जब अभिषेक किया और फिर जब आहुतियाँ दी, हवन किया सबसे पहली बार, तो उसी वक्त से सारे चमगादड़ वहाँ गायब हो गए, फिर एक भी चमगादड़ नहीं रहा। तो दूसरी बार जब हम पहुँचे तो वहाँ पुरातत्व विभाग वालों ने बताया कि साहब ये कमाल हो गया आपने, हम तो धुआं कर करके ये कर करके बहुत वो परेशान हो गए, लेकिन यहाँ से चमगादड़ों को नहीं हटा पाए, आपने एक ही हवन किया और उसमें से सारे चमगादड़ गायब हो गए।
फिर उसके बाद उस मंदिर में अभी तक चमगादड़ नहीं आए। हम कई बार हवन वहाँ कर आए तो अब वहाँ चमगादड़ नहीं है। अब वो मंदिर पूरी तरह से जागृत, और वहाँ बहुत भीड़ होती है हर शिवरात्रि को, और उसको सावन के महीना में हर सोमवार को। तो अब तो पूरा बहुत जमघट लगता है। आसपास के गांव के लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो वैसे भी वो पर्यटन स्थल भी है। और असल में तो वहाँ पे जो भगवान शंकर हैं, जिनको चेतना करके, प्रतिष्ठित करके, जागृत करके, चैतन्य संस्कारित करके हम लोगों ने उसका वो शुरू किया था परंपरा। तो काफ़ी कुछ किया और काफ़ी कुछ देखा, तो वो विधान वगैरह हम इसी फिल्म में आपको आगे बताएंगे। पहले आप सुनिए शिवाष्टक। ये शिवाष्टक, तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वल ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेन्द्र हार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय श्रीमत् प्रसन्न शशि पन्नग भूषणाय शैलेन्द्र जावदन चुंबित लोचनाय कैलाश समंदर महेंद्र निकेतनाय लोकत्रयार्ति हरणाय नमः शिवाय पद्मावतात मणिकुंडल गोवर्षाय कृष्णागरु प्रचूर चंदन चर्चिताय भस्मानुषक्त विकचोत्पल मल्लिकाय नीलाब्ज कंठ सदृशाय नमः शिवाय लंब सत्पिंगल जटा मुकुटोत्कटाय दंष्ट्रा कराल विकटोत्कट भैरवाय व्याग्राजिनाम्बर धराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथन्मिताय नमः शिवाय दक्ष प्रजापति महामखनाशनाय क्षिप्रम महात्रिपुरादान भगातुनाय ब्रह्मोर्जितोर्ध्वर्ग करोटि निक्रंतननाय योगाय योगनमिताय नमः शिवाय संसार सृष्टि घटना परिवर्तनाय रक्षय पिशाच गण सिद्धि समाकुलाय सिद्धोर ग्रहण गणेन्द्र निषेविताय शार्दूल चर्म वसनाय नमः शिवाय भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय सौम्य वदात वनमाशित माशिताय गौरी कटाक्ष नयनार्द निरीक्षणाय गौशीर धार धवलाय नमः शिवाय आदित्य सोम वरुणानिल सेविताय यज्ञाग्नि यज्ञाग्नि होत्र वर धूम निकेतनाय ऋक् साम वेद मुनिभ्य स्तुत संयुताय गोपाय गोपन्मिताय नमः शिवाय शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन स मोदते। जो इस पवित्र शिवाष्टक को श्री महादेव जी के समीप सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है और शंकर जी के साथ आनंद प्राप्त करता है। ये भगवान शंकर का शिवाष्टक था जो हमने यहाँ उच्चारण किया। अब यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगानि का तो हम पहले भी अपनी एक फिल्म में उच्चारण कर चुके हैं, तो भगवान शंकर का जब भी वो हो तो द्वादश ज्योतिर्लिंगन का उनका ये श्लोक उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और जब भी हम अभिषेक करते हैं या पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, साधना करते हैं और यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्लोक यद्यपि पद्धति में नहीं आता है, लेकिन इसका हमने जो अनुभव किया है, इसका उच्चारण हर अभिषेक में करना
कहीं ना कहीं बीच में गुम्फित कर देना चाहिए, ये बहुत उत्तम रहता है, इससे बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। तो ये है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वारणास्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो ये जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम या 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं, और उनका उच्चारण उस पूजा के समय पार्थिव शिवलिंग का जब भी आप पूजा करते हैं उस समय कर लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग में भी कर लेना चाहिए, बाणलिंग में भी करना चाहिए, स्फटिक लिंग में भी कर लेना चाहिए, या रसलिंग का पूजा कर रहे हैं तो आप उसमें भी कर लेना चाहिए, या जो है स्वर्णलिंग होता है जो स्वर्णलिंग में अगर पूजा करते हैं तो उसमें भी इसका उच्चारण कर लें तो वो ठीक रहता है। तो ये भगवान शंकर का शिवाष्टक था। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब हम यहाँ रुद्राष्टक का उच्चारण करते हैं। तो रुद्राष्टक का उच्चारण के ऊपर तो पूरी एक फिल्म पहले से यहाँ मौजूद है हमारे इस पर चैनल पर, लेकिन इस चूंकि अलग से ये शिव साधना रहस्य और शिव तंत्रम का वो फिल्म चल रही है तो इसमें इसका आवश्यक है आना। तो ये श्री रुद्राष्टक जो है भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना के वक्त इसी का उच्चारण किया था, जब वहाँ पर रामेश्वरम सेतु बंध बनाया था लंका जाने के लिए, तो रामेश्वरम की स्थापना की थी उसमें इसका उच्चारण किया था। और इसका रुद्राष्टक का उच्चारण हम यहाँ भी इस फिल्म में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो रुद्राष्टक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे अहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो अहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्भ्रु सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणिं भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पाए आपन नमामि शंभो रुद्राष्टक मिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभू प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। ये रुद्राष्टक था।
और हमने यहाँ इस रुद्राष्टक का उच्चारण किया। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज, महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी। हम नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ अपने स्वर में भगवान शंकर के कुछ मंत्रों का और अष्टक आदि का उच्चारण कर रहे हैं। सर्वमंगल और लोक कल्याण की भावना के साथ प्रभु सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें, सबका शुभ करें, सब पर कृपा करें। तो अब हम यहाँ पशुपति अष्टक, तो पशुपति अष्टक जो है उनका ये बहुत करामाती है। और पशुपति अष्टक का उच्चारण ये उच्च कोटि का वो है, तो हम यहाँ पशुपति अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं। और भगवान शंकर को ये आप सुनाएंगे अपने घर में या मंदिर में, इसी ऑडियो को, हमारी ऑडियो को ही सुनाएंगे, तो बेहद और निश्चित ही प्रभु की कृपा, कल्याण और मंगल प्राप्त होगा। तो ये पशुपति अष्टक है, इस पहले इसका ध्यान मंत्र है। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतं अमरगर्णैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इसके उपरांत ये अष्टक है, अब अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं। पशुपतिम द्युपतिम धरणीपतिम भुजलोकपतिम च सतीपतिम प्रणत भक्त जनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति को अपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मुरजडी मिंड वाद्य विलक्षणं मधुरपंचनाद विशारदं प्रमत भूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अवयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् नरशिरोचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषध्वजं चितिर्जूदवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मखविनाशकरं शशिखरं सततं ध्वरभाजिफलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् मदपपासचिरं हृदय संस्थितं मरण जन्म जरा भय पीड़ितं जगदुदीक्ष्य समीप भयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् हरिविरंचि सुरादेप पूजितं यमजनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवन त्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम् पशुपतेर्रे दमष्टकमद्भुतं विरचं पृथ्वीपतिसूरिणा पठति संशृणुते मनुज सदाशिवपुरीं वसतं लभते मुदम्। इस को जो सुनता है अद्भुत पशुपति अष्टक का पाठ श्रवण करता है, वो भगवान शिव की पुरी में निवास करता है और आनंदित होता है। अब यहाँ व्यास जी द्वारा रचित हम विश्वनाथ अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं। तो भगवान श्री वेद व्यास जी जो है
क्योंकि पांडव ही तोमर हैं, तोमर ही पांडव हैं, तो उनके कुलगुरु हैं, राजगुरु हैं, उनके द्वारा रचित है ये विश्वनाथ अष्टक। तो इसका उच्चारण हम इस फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विश्वनाथ अष्टक है, भगवान श्री विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री शिव की प्रसन्नता के लिए, शंकर जी की प्रसन्नता के लिए इसका उच्चारण सुनना सुनाना भगवान शंकर को अत्यंत कल्याणमयी है। कल्याण ही कल्याण है वहाँ। तो ये विश्वनाथ अष्टक है, श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचाम गोचर मनेक गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भूताधिपम भूजगभूष भूषण भूषितांगम भूताधिपम भुजगभूषण भूषितांगम व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाकुशाभयवर प्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागादिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमतमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणं द्वितीयं आनंदकंदं परायितं प्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कल्मात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन स मोदते। ओम। जो भगवान शिव के समीप इस विश्वनाथ अष्टक को सुनाता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित होता है। ये श्री महर्षि व्यास जी द्वारा रचित शिव जी का विश्वनाथ अष्टक था। इस फिल्म को हम यहीं पूरा करते हैं।
और इसकी शिवतंत्र की दुर्लभ और बहुत कई ग्रंथों से और बहुत उच्च कोटि की जो सामग्री है, अब हम अपनी अगली फिल्म में प्रस्तुत करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।